मॉर्निंग, सुबह हो गई। महाराष्ट्र में कहाँ है? कौन सा एरिया चल रहा है ये? कौन सा एरिया है ये? है महाराष्ट्र। अरे महाराष्ट्र चल रहा है, क्या बीता है रत्नागिरी के पहाड़ों में? पहाड़ों में रत्नागिरी के पहाड़ों से, रत्नागिरी के पहाड़ों में अभी आएगी रत्नागिरी, अभी आई थोड़ी है। रत्नागिरी के हापुस आम मिल जाए ना, अल्फोंसो, अल्फोंसो बोलते हैं वहाँ पर, हापुस बोलते हैं महाराष्ट्र। रत्नागिरी में सस्ते सारे तो बीजेपी जाते हैं, हाँ एक्सपोर्ट हो जाते हैं। बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है और अब गर्मी लगनी हमें शुरू हो चुकी है। अंदर ट्रेन में एसी चल रहा है लेकिन जो गर्माहट है वो महसूस हो रही है, और स्वेटर वेटर की जो ज़रूरत थी वो ख़त्म हो चुकी है, और बस रात को सोए तो वेदर अलग और सुबह उठे तो वेदर अलग, एकदम चेंज नज़र आ रहा है। और बारिश के मौसम में अगर हम आते तो ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा खूबसूरत लगती है और काफ़ी हरी भरी लगती। बता दें कि ये महाराष्ट्र है और अब हम यहाँ से लगभग महाराष्ट्र की ही वीडियो देखेंगे। महाराष्ट्र के गांव दिखेगा, शहर दिखेगा, और काफ़ी दूर महाराष्ट्र घूमने के बाद हम गोवा में घुसेंगे। और गोवा में तो नॉर्थ गोवा में ही जाना था मुझे, तो गोवा तो आते ही लगभग हम पहुँच ही जाएंगे, इसलिए गोवा बहुत नहीं दिखेगा ट्रेन से आपको, अभी बस महाराष्ट्र दिखेगा। वहाँ का घर, वहाँ का गांव का घर बनाने का तरीका काफ़ी अलग होता है, तो वो सब चीज़ें भी हमें नज़र आ रही हैं इसके अंदर। और अच्छा है माहौल बाहर देखते हुए, और मुंबई तो नींद में थी तभी निकल गया था, तो लोनावला भी निकल गया था, मुंबई भी निकल चुका था, तो ये सब चीज़ें तो नींद में सोते सोते ही, मतलब सुबह के वक्त 5-6 बजे के वक्त निकल गया था। सो के लेट ही उठना था क्योंकि जल्दी उठ के क्या करते, शाम को ट्रेन से उतरना है तो जितना देर सोए रहेंगे दिन उतना छोटा हो जाएगा। तो खामखा अगले दिन भी 5 बजे के चक्कर में हम रात को 2 बजे के आसपास उठे थे, और सोए भी बहुत लेट थे कल, तो नींद तो पूरी हुई नहीं थी, तो सोचा था कि बस ट्रेन में चलकर आराम करेंगे, और पूरी तसल्ली से आराम किया। और ये देखिए इतनी खूबसूरत नदी हमें सामने देखने को मिल रही है, पानी एकदम साफ है, और बहती हुई नदियाँ मुझे लगता है दिल्ली के अलावा सब जगह ऐसे साफ ही होती हैं। सबसे ज़्यादा दिल्ली में गंदी है और छोटी नदियाँ साफ होती हैं। अब बस इसके बाद से तो टर्नल्स और पहाड़ आने शुरू हो गए थे, इतने टर्नल्स थे कि जैसे मैं वीडियो बनाने की सोचती थी इतनी देर में एक और गुफा। और यहाँ से वीडियो आप जो देख रहे हैं ये है मेरे कैब से गोवा का व्यू। स्टेशन पर मैं वीडियो नहीं बना पाई, समय नहीं लगा, और बस उतरे और इतना लेट हो गया था, 1 घंटे ट्रेन लेट थी, तो इस वजह से बस सर दुख रहा था, जी घबरा रहा था, मन ख़राब हो गया था, तो मैंने बिल्कुल वीडियो बनाया ही नहीं। स्टेशन अच्छा था, बनाते तो सुंदर लगता, लेकिन फिर ठीक है। यहाँ से फिर हम टैक्सी हमने बुक कर ही रखी है गोवा में घूमने के लिए, दोस्त लेने आ गया था, तो बस ये टैक्सी से गोवा का व्यू नज़ारा। और मुझे गोवा की सबसे अच्छी चीज़ ना यहाँ के जो घर है ना वो लग रहे हैं, हर घर बहुत बड़ा है, एक घर है, लॉन है, आगे पीछे जगह है, तो आप देखिए ना हर मकान खूबसूरत है यहाँ पे। मुझे यहाँ का ना सबसे अच्छी चीज़ ना यहाँ के मकान लगे, मतलब हम सीरियल्स में फिल्मों में देखते थे एंटीक घर, पुराने घर, और इतने सुंदर सुंदर घर हैं कि मतलब मेरा दिल ले लिया इन घरों ने। मैं फ़ैन हो गई हूँ यहाँ पे। आने से पहले मुझे लगता था कि मैं ना वहाँ पैदल पैदल घूमूंगी, इन घरों को देखना है मुझे, लोगों को शायद बीच देखने का ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मुझे ये घर देखने थे, और फाइनल ये घर मेरी आंखों के सामने है। बहुत खूबसूरत लग रहा था, मतलब मैं इन गलियों में ऐसे ही गाड़ी पर या पैदल स्कूटी पर घूम सकती हूँ, और इन घरों को, पुराने हाउसेस को देख सकती हूँ। हर घर को देख के ना ऐसे कुछ ऐसे लग रहा था पुराना, ओल्ड, कुछ मेमोरीज, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब एंटीक चीज़ें देखना मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। तो आप नोटिस कीजिए कि घर कितने सुंदर है, ऐसे घर तो हमारे तरफ होते भी नहीं है, मतलब छोटे छोटे, अच्छा छतें नहीं होती हैं, हम जारे जैसे घर की छतें होती हैं ऐसी नहीं होती, यहाँ पे बंगलो भी होगा तो वो भी मिट्टी वाला जो छत होता है वही होता है,
तो ये चीज़ यहाँ की खास बात है। बारिश बहुत ज़्यादा होती है गोवा में, तो इस वजह से ना लोग छत नहीं बनाते क्योंकि छत फट जाती है, टूट जाती है। तो बड़े से बड़ा घर होगा, 2 मंजिला 3 मंजिला पर उसकी छत होगी, या तो एस्बेस्टस की होगी या फिर ये जो मिट्टी के बने होते हैं ना इससे बनता है। तो मैक्सिमम 95-98% ये मिट्टी वाला ही सिस्टम है वहाँ के घरों में। एस्बेस्टस तो थोड़ा सस्ता पड़ता है तो लोग लगवाते हैं जिनको लगवाना होता है, जनरली लोग कम लगवाते हैं। ऑथेंटिक 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 चीज़ों में यहाँ थोड़े लोग विश्वास रखते हैं और अपना गोवा का कल्चर, गोवा की चीज़ों में बड़ा बिलीव करते हैं। तो बस मैं व्यू दिखा रही हूँ आपको कि गोवा नज़रों से, अपनी नज़रों से गोवा की, गोवा का सिटी व्यू, विलेज व्यू। अच्छा, यहाँ गांव और शहर का भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं समझ में आता है। शहर गांव सब एक जैसे लगते हैं, सब खूबसूरत हैं, सब खुले हैं, भीड़ नहीं है, आबादी बहुत कम है। मुश्किल से 5-15 लाख लोग पूरे गोवा में रहते हैं, जितने तो मुझे लगता है दिल्ली में मेट्रो से आ जाते होंगे लोग सुबह सुबह जॉब करने, इतने लोग, इतनी आबादी है। तो आदमी कम है, घर ज़्यादा है। यहाँ पे ऐसा है कि मतलब एक घर एक आदमी, एक घर एक आदमी, लोग है ही नहीं। बच्चे बाहर रहते हैं, या तो कोई बुजुर्ग अपने घर में रहता है, या कोई आंटी रहती है, कोई केयर टेकर रहता है। मतलब घर ज्यादा है, घर में रहने वाले लोग नहीं है। खैर, नेचर की ब्यूटी है, खूबसूरती है, और इतनी थकान है, इतना असर भारी हो रहा है कि क्या बताएं। बस ऐसा हो रहा था कि घर पहुंचे और जाते ही पहले मैं नहाऊं, और अच्छा लग रहा था, व्यू देख के खुशी हो रही थी। लेकिन जो मज़ा है नहाकर आराम करने में, उसकी बात अलग है। इस खिड़की से उस खिड़की में बस वीडियो बना रही हूँ, मुझे लग रहा है इधर व्यू ज़्यादा अच्छा आ रहा है, कभी लग रहा है कि उस खिड़की पे व्यू ज़्यादा आ रहा है। तो मैं खिड़कियाँ बदल रही हूँ और व्यू बदल रही हूँ। खैर, दोनों तरफ व्यू अच्छे थे और सबसे अच्छा तो मुझे घर लग रहा था, और मैं इसे देख रही थी, इंजॉय कर रही हूँ। और गोवा की पतली पतली गलियाँ होती हैं यहाँ पे। अच्छा, चौड़ी सड़कें गोवा में अंदर मतलब नहीं होते हैं, बहुत छोटे वन वन वे ही होता है ज़्यादातर सड़कें यहाँ पे ना, घरों के बीच में वन वे ही है। आपको पतली पतली सड़कें मिलेंगी, गाड़ियाँ थोड़ी समझदारी से चलानी होती है, क्योंकि आपको सड़कें बहुत चौड़ी नहीं मिलेगी कि आप मौज में गाड़ी चलाएं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और थोड़ा सा सड़कें ऊपर नीचे भी हैं, तो अचानक से किसी गली से कट लग सकता है, या मोड़ बहुत है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ड्राइविंग करते समय ध्यान रखना होता है। बाकी तो यही एक फ्लाईओवर है, और जस्ट इसके बाद हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और गोवा आने के बाद तो हरियाली, पानी, नदी, पहाड़, झरने काफ़ी कॉमन लग रहा था, काफ़ी चीज़ें इजीली, ये सब चीज़ें तो यहाँ देखने ही आए हैं हम लोग। चर्चेज, घर, सिटी, तो ये तो मिलेंगी ही देखने को। पहुँच गए हम गोवा, बहुत सारा ट्रेवल करने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद, सर में दर्द हो रहा है अब तो, ट्रेन में बैठे बैठे। बड़े खूबसूरत सा सीन है मेरे पीछे, और अभी तो डेस्टिनेशन पे पहुंचे भी नहीं है, रास्ते में ही है। बस 10 मिनट में जहाँ पहुंचना है वहाँ पहुंच जाएंगे। पर व्यू देखिए, ये फ्लाईओवर गजब, अभी मैं अच्छे से दिखा दूंगी आप लोगों को। फाइनली, जिस जगह पे जाने के लिए आप बहुत टाइम से सोच रहे होते हो और अचानक आ जाते हो ना, तो थोड़ी देर तो लगता भी नहीं है कि अरे हम आ गए, यही आना था। अच्छा लग रहा है। लीजिए, आ गए गोवा, और पहुंच कर नहा धुल कर बिल्कुल रेडी हैं, और थोड़ा सा सर घूम रहा है क्योंकि 35 घंटे के तकरीबन हम लोग ट्रेन में थे,
और अपने एक दोस्त है यहाँ पर, उनकी फैमिली है तो उनके घर आए हुए हैं। अभी घर में रिनोवेशन चल रहा है, घर बन रहा है तो इसलिए कलर वलर नहीं मिलेगा दीवारों पर, और बिल्कुल गोवा के स्टाइल में ही घर है। और बहुत खूबसूरत कॉलोनी है जहाँ पर इनका घर है, तो आज तो अंधेरा हो गया है इसलिए नहीं देख सकते। कल से हम गोवा देखेंगे और घूमेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और बस खाना खाएंगे और सोएंगे, और यात्रा यहाँ से शुरू होती है हमारी।